नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, क्या जो हम बाहर खाना खाते हैं स्टॉल्स में या रेडी में वो हाइजीनिक है, या फिर इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम भूल चुके हैं कि जो बाहर खाना मिल रहा है वो हाइजीनिक है या नहीं, या वो हमारे लिए हानिकारक है। चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या व्यूज़ है इसके रिलेटेड। क्योंकि सबसे पहले हमारा ध्यान होता है कि वो क्या स्वच्छ जगह पर बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, क्या मतलब प्रॉपर एक हाइजीनिक प्लेस वहाँ पर है। अगर वो बना रहे हैं तो क्या उन्होंने प्रॉपर जो सैनिटरी ग्लव्स होते हैं अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो इसलिए हमारा मेन ध्यान रहता है कि वो जैसे बना रहे हैं और कहाँ बना रहे हैं, वो चीज़ मायने रखती है। क्या इसके साथ साथ ये भी आपके दिमाग में रहता है कि जो बन रहा है उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या वो भी हेल्दी हाइजीनिक है? कंटेंट पे अगर जैसे मैं कहूँ तो जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो हमारे हम इतना कंटेंट नहीं देते क्योंकि हमें पता कि हमें खाना ही वेज है, तो वेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो हेल्दी होती हैं और हमेशा साफ़ सुथरी होती हैं। तो लेकिन हम फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि क्या उसमें कुछ एडल्ट्रेशन तो नहीं है, क्योंकि एडल्ट्रेशन होगी तो फिर उससे हमारा सिस्टम जाहिर सी बात है ख़राब होगा। ये तो हमारी एक किस्म की ड्यूटी बनती है कि जो हम खा रहे हैं वो कितना उसमें हाइजीनिक है, कितनी उसमें साफ़ सफाई है। तो सबसे पहले तो हम ये थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इनका पहले तो इनको पर्सनल देखेंगे कि किस तरीके से मतलब इनका पहनावा कैसा है, मुंह में कुछ डाला है नहीं डाला है, आसपास कितना साफ़ सफाई है। तो लोगों को भी देखते हैं कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं, तो उसके बाद ही कुछ खाने के सोचते हैं। बिल्कुल, हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि आगे पीछे का वो एरिया कैसा है, क्लीनिनेस है वहाँ पे या नहीं है, और उन्होंने एक पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं या नहीं लिए हैं, तभी जाके वहाँ पर हम खाते हैं। और अगर बात की जाए हमारी यूनिवर्सिटी के यहाँ की, तो यहाँ पर बिल्कुल एक प्रिकॉशंस, जितने अच्छे प्रिकॉशंस हैं यहाँ पर लिए जाते हैं और बिल्कुल क्लीनिनेस के साथ यहाँ पे सर्व किया जाता है। क्या इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, जैसे जम्मू में कहीं ना कहीं मोमो कल्चर भी आ चुका है, मोमो के अंदर क्या आता है, वेज या नॉन वेज क्या भरा जा रहा है, क्या वो खाने के लायक है या एडल्ट्रेशन ना हो, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखते हैं? ऐसा बिल्कुल ऐसा बहुत बार हुआ है कि जम्मू में कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर मोमोज के बीच में से कोई कीड़ा निकल गया हो, मैक्सिमम बरसात के मौसम में ऐसा हुआ है। तो लेकिन अगर आप अच्छी जगह से कहोगे तो बिल्कुल आपको अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलेगी, और वहीं आप अगर दूसरी लोकल मतलब लोकल तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं होती, वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमें तो मतलब सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, फास्ट फूड तो आपको पता है आजकल कितने वो है, लेकिन हम कुछ भी खा रहे हैं उसकी क्वालिटी, खाने की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब खाना अच्छा होना चाहिए। मेरा जूस कॉर्नर का है और मैं डिस्पोजल ज़्यादा यूज करता हूँ, जो अपना स्टील का ये कप है इसको मैं पूरी साफ़ सफाई से 2-3 पानी से साफ़ करता हूँ, पानी फ्रूट जो है तो मैं साथ साथ में काटता हूँ, काट के भी नहीं रखता हूँ ज़्यादा, बाकी जग जो एकदम साफ साफ ओके साफ करके रखता हूँ। साफ़ सफाई रखने से एक किन चीज़ों से आपको आप दूर रहते हैं? काफ़ी चीज़ों से दूर रहते सर, साफ़ सफाई से तो काफ़ी वो रहता है। ग्राहक कैसे खुश होता है? साफ़ सफाई से सर होता है। जी जी, तो आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है तो क्या बोलना चाहोगे अपने ग्राहकों को और बाकी लोग दुकानदारों को? क्या लोगों से यही बोलूँगा सर कि साफ सफाई अच्छे से रखें, और कस्टमर से यही बोलूँगा ग्राहक से साफ़ सफाई वाली जगह खाए पिए अच्छे से, साफ़ सुथरी चीज़ों को देखें अच्छे से, ठीक है।